तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तान ने बरेली की निदा खान से खास बातचीत की। तलाक पीड़ित निदा पिछले 8 महीनों से अपनी व अपनी जैसी कई महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। आज के दौर अगर मेरी अगर किसी भी वाइफ मतलब लड़की की शादी हुई मुस्लिम कल्चर, तो हमें ये नहीं पता कि हमारा हस्बैंड बाहर गया घर से और घर के अंदर आया, तो ये नहीं पता कि हमें तलाक दे के आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग को नहीं पता रहता कि हम लोग को हर टाइप एक इनसिक्योरिटी रहती है कि हमें तलाक ना हो जाए, और वही हस्बैंड के पास एडवांटेज होती है, कोई भी बात होती है वो यही बोलता है कि तलाक दे दूंगा तलाक दे दूंगा। तो ये एक इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी मुस्लिम वुमेंस की कि अब हमें तलाक से कोई डर नहीं रहेगा कि अगर हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं आओ कोर्ट में, वही बात होगी हम ही नहीं लेना चाहते, तो ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। आपकी लड़ाई अभी महिलाओं के लिए आगे भी जारी रहेगी? हाँ, अभी तो बहुत सारी लड़ाई है, अभी आपकी पॉलीगेमी में भी लड़ना है, अभी हलाला में भी लड़ना है, तो ये चीजें तो मेन है, क्योंकि ये तीन हमें लगता है लेडीज की जिंदगी बर्बाद कर रखती है तीन चीजों में। साथ ही साथ मतलब जो भी मेरी शादी हुई तो ये लोग मतलब वुमेन्स को ऐसे समझते कि देखा मटेरियल इस्तेमाल करा कोई बात नहीं, अब इनसे कोई मतलब नहीं, छोड़ ये नहीं होता ना, हम लोग के अंदर जान है, जिंदा इमोशंस है।